तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बलेनो एंड मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के बारे में। यस, मुझे मालूम है कि दोनों ही गाड़ियां बिल्कुल ही डिफरेंट सेगमेंट में बिलोंग करती हैं, जहां पर आपकी बलेनो एक प्रीमियम हैचबैक है जिसकी प्राइस शुरू होती है फ्रॉम 6.6 लाख से लेकर 9.8 लाख रुपीज एक शुरू, और वही आपकी जो ग्रैंड विटारा है वो है एक मिड साइज एसयूवी जिसकी प्राइस शुरू होती है फ्रॉम 10.7 लाख से लेकर 19.9 लाख रुपीज एक शोरूम। यस, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्राइस डिफरेंस है, तो इसकी वजह से ये कंपैरिजन तो बिल्कुल भी फेयर नहीं बन सकता। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जस्ट आप इमेजिन करो, आपका बजट अराउंड 11-12 लाख के हिसाब से ऑन रोड, तो आपके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं। इधर आप बलेनो का टॉप वेरियंट कंसिडर करो, नहीं तो थोड़े से पैसे ज्यादा देकर आप ग्रैंड विटारा का बेस वेरियंट ले लो। अभी अक्सर ही क्या होता है कि लोग ना जोश में आकर कोई ना कोई गलती कर देते हैं, अपने रिक्वायरमेंट को बिना जाने वो कोई भी गाड़ी खरीद लेते हैं, तो एक दो हफ्ता तो मजा आएगा, लेकिन एक टाइम बाद जब आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने परचेज को यूज करते हो तो आपको बाद में रिग्रेट होगा। तो ये रिग्रेट आपके साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ज्यादा जरूरी चीजें बताने वाला हूँ इन दोनों ही गाड़ियों के रिगार्डिंग। सो या आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली, और मैं बाद में आपको विनर भी डिस्कस करूंगा कि यार दोनों में से आपके लिए कौन सी एक बेस्ट चॉइस रहेगी। सबसे पहले देखो, यहाँ पर ना मैं पूरा डिटेल कंपैरिजन नहीं करने वाला इन दोनों ही गाड़ियों के बीच में, बिकॉज प्रैक्टिकली हमें पता है कि ग्रैंड विटारा एक बेटर प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपको प्रैक्टिकलिटी ज्यादा मिलती है, जैसे कि स्पेस वाइज ग्रैंड विटारा इज वे बेटर, डायमेंशन आपको बड़े मिलती है, ग्राउंड क्लियरेंस इज वे बेटर, टायर्स आपको बड़े प्रोफाइल वाले मिलते हैं, एंड या ऑफ कोर्स जो लुक्स है ग्रैंड विटारा के, इट इज कम्प्लीटली ऑन द नेक्स्ट लेवल। अगर आप रोड पर ना दोनों ही गाड़ियों को खड़ी करेंगे साथ में, देन डेफिनेटली यू विल फील दैट ग्रैंड विटारा जस्ट लुक्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ पर डिटेल कंपैरिजन करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपके रिक्वायरमेंट के बेस पर मैं ये कंपैरिजन करने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, ये आप मोस्टली रनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग रोड कंडीशंस होते हैं। अभी कुछ कॉमन रोड कंडीशंस के बारे में बात करूँ, सबसे पहले आती है सिटी ड्राइविंग कंडीशन, देन आती है हाईवेज, खराब रास्ते, हिली रीजन्स, एंड या इन सारे रोड्स का जो एक मिक्स कॉम्बिनेशन है वो भी एक कैटेगरी के अंदर आता है। तो इन सारे कैटेगरीज के अंदर ये दोनों ही गाड़ियाँ कैसे परफॉर्म करते हैं और आपके रनिंग किन रोड्स में ज़्यादा है, इसको कंसिडर करके मैं अभी कंपैरिजन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं हाईवेज के बारे में। तो अगर आपकी रनिंग ना 90% हाईवेज में, तो आपके लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर चॉइस रहेगी? सो इसका सवाल देने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि एक प्रॉपर हाईवे ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए सबसे पहले आपकी गाड़ी में स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब हाई स्पीड स्टेबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ओवरऑल कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी है, जो ओवरऑल हैंडलिंग है, जो ओवरऑल स्टेयरिंग का फीडबैक है, वो सबसे बढ़िया होना चाहिए। एंड देन ऑफकोर्स कम्फर्ट वगैरह, अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स में जा रहे हो विद दी फैमिली, तो ओवरऑल जो कम्फर्ट वगैरह रहता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो इस कंडीशन के हिसाब से मैं कहूँगा कि ग्रैंड विटारा ना एक्चुअल में मुझे थोड़ी सी बेहतर लगती है कम्पेयर टू दी बलेनो ऑन दी हाईवेज। यस, बलेनो भी अच्छी है, बलेनो की हाई स्पीड स्टेबिलिटी, एवरीथिंग इज गुड, बट द थिंग इज ग्रैंड विटारा ना मुझे हाईवेज के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है, बिकॉज हाई स्पीड स्टेबिलिटी इस गाड़ी की अच्छी है ही। आपको लगेगा कि यार ये तो एक एसयूवी है, इसके अंदर ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, तो ऑफकोर्स इसमें बॉडी रोल आ सकता है, बट दिस इज नॉट ट्रू। इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं स्टिफर सेट वाले सस्पेंशन, जो कि हाई स्पीड में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। अगर आप किसी अनइवन हाईवे रोड में जा रहे हो, तो आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी बाउंसीनेस फील नहीं होगा ड्यू टू दीज सस्पेंशन। एंड या हैंडलिंग वगैरह एंड कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी वगैरह आपको काइंड ऑफ सिमिलर मिलती है टू दी बलेनो। बाकी जो कम्फर्ट है वो मुझे काइंड ऑफ लगता है कि इस गाड़ी के अंदर ज़्यादा बढ़िया है। सामने की सीटों के हिसाब से दोनों ही गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, बट पीछे की सीटों के हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे ग्रैंड विटारा का जो अंडर थाई सपोर्ट है और जो बैक सपोर्ट है वो ज़्यादा बढ़िया लगा। सो प्रैक्टिकली फैमिली आउटिंग्स वगैरह के लिए दिस कार इज अ मच बेटर चॉइस इफ यू कंपेयर टू द बलेनो। सो हाईवे पर्पज़ के लिए मैं तो कहूँगा कि यार आप ग्रैंड विटारा की तरफ चले जाओ, आपके लिए ज़्यादा एक प्रैक्टिकल चॉइस रहेगी। एंड इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं सिटी ड्राइविंग कंडीशन के बारे में। अभी सिटी ड्राइविंग कंडीशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती है, जैसे कि देखो ट्रैफिक भरे रोड आपके हो सकते हैं, बहुत ही बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, जैसे कि बेंगलुरु में अगर आप आ चुके हो तो आपको पता होगा कि ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है वहाँ पर। उन जैसे रोड्स में अगर आपकी ज़्यादा रनिंग है, तो गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि उन ट्रैफिक के थ्रू भी आराम से मैनूवर कर सके। अगर कोई यू टर्न है तो ट्रैफिक के थ्रू भी आप आराम से उस यू टर्न को ले सको। अगर कोई टाइट पार्किंग स्पेस है उसको भी आप आराम से अचीव कर सको। जैसे कि देखो आपकी घर में हो सकता है कि ज़्यादा जगह ना हो पार्क करने के लिए गाड़ी को, तो उस कंडीशन में ना अगर गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो आपको गाड़ी ना बाहरी पार्क करनी पड़ेगी। एंड या अपार्ट फ्रॉम दैट, सिटीज़ में आपको पता होगा कि काफ़ी सारी सिटीज़ के अंदर रोड्स उतने अच्छे नहीं होते,
छोटे मोटे गड्ढे होते हैं, और साथ में ना, तो ये सारे कंडीशन को अगर आप रैपअप करेंगे इन दी सिटी कंडीशन, तो मुझे कहीं ना कहीं बलिनो यहाँ पर ज़्यादा एक बेहतर चॉइस लगी। सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर आपको डायमेंशन काफ़ी कम मिलते हैं इफ़ वी कंपेयर इट टू दी ग्रैंड विटारा, एंड इसके वजह से इस गाड़ी को ट्रैफिक के थ्रू मैनूवर करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। मतलब यार बिल्कुल ही एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से आप इसको मैनूवर कर सकते हो। अगर कोई यू टर्न अगर आपको क्विक लेना है तो आराम से उसको आप ले सकते हो। ओवरऑल जो सिटी के अंदर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा दैट इज़ वेरी गुड ऑन दी बलिनो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके घर में ज़्यादा स्पेस नहीं है तो ऑफकोर्स यार गाड़ी छोटी होने की वजह से आप बलिनो को थोड़ा अच्छे से पार्क कर सकते हो। अभी ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक आइडिया है जिसके बारे में ज़्यादा लोग ना सोचते नहीं है। वो जोश में आकर एक बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं बिकॉज उनको थोड़ा सा दिखावा करना पड़ता है। ऑफकोर्स यार शो ऑफ इज़ वेरी नेसेसरी इन इंडिया, बट द थिंग इज लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए जब आप गाड़ी को यूज़ करेंगे ना, तो आपको काइंड ऑफ रिग्रेट फील होगा कि यार इतने बड़ी गाड़ी की जगह अगर मैं थोड़ी छोटी कार ले लेता इसी प्राइसिंग में तो ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन रहता। तो ऐसे कोई रिक्वायरमेंट है आपके तो डेफिनेटली इस चीज़ को आपको कंसिडर करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, छोटे मोटे जो खराब रस्ते होते हैं सिटीज़ में, उसके लिए भी बलिनो बहुत ही ज़्यादा कामयाब ऑप्शन है बिकॉज इसके अंदर आपको सॉफ्टेस्ट सेट वाले सस्पेंशन मिलते हैं जो कि काफ़ी सॉफ्टली ना आपके स्पीड ब्रेकर्स को और जो पॉटहोल्स वगैरह होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके वजह से आपको कोई भी जर्किनेस वगैरह अंदर फील नहीं होता। तो पैसेंजर्स यार बहुत ही कंफर्टेबल होकर इसको अर्बन एरियाज में ले जा सकते हैं। वही आपकी जो ग्रैंड विटारा है ना, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टिफर सस्पेंशन है तो जर्किनेस उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमम आपको फील होगा। सो बाई कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स, सिटी पर्पज़ के लिए बलिनो इज़ अ वेरी गुड चॉइस, एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एंड देन कम्स दी खराब रस्ते। तो देखो, खराब रास्ते मतलब मैं नॉर्मल आपके जो खराब रोड होते हैं ना वैसे बात नहीं कर रहा। जैसे कि देखो, इन जैसे रोड्स में अगर आपकी रनिंग है, जैसे गिट्टी वाला रोड है, गड्ढे बहुत ज़्यादा है, मतलब रोड ही नहीं है, तो इन रोड्स में ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैनूवर करने में गाड़ी को। सो ऐसे अगर आपके रोड कंडीशन है, देन आई वुड से कि आप ना आँख बंद करके ग्रैंड विटारा लो, या ग्रैंड विटारा के अंदर आपको अच्छी राइड क्वालिटी नहीं मिलती है खराब रोड में, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग, बट एटलीस्ट आपको ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छी मिलती है ना। जैसे कि देखो, इन रोड्स में बारिश के टाइम पर क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा फिसलन हो जाती है, जो मडी रोड्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन हो जाते हैं। तो हो सकता है कि कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली जो गाड़ी होती है, स्पेशली बलिनो जिसके अंदर सिर्फ 170mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है, उसके ना नीचे जो चेसी होती है उसके लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। सो इन जैसे रोड्स में अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो ग्रैंड विटारा आपके लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगी बिकॉज 210mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। यस, आपको अच्छी राइड क्वालिटी नहीं मिलती, बट एटलीस्ट आपकी गाड़ी का जो चेसी है ना वो तो सेफ रहेगा। तो लॉन्ग टर्म जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी गाड़ी में ज़्यादा डैमेजेस नहीं आएंगे। सो लॉन्ग टर्म के बारे में आपको सोच करना, आपका डिसीजन लेना है। सो दिस वॉज अबाउट दी बैड रोड्स। देन हिली रीजन के बारे में बात करो तो दोनों ही गाड़ियाँ कामयाब है। मतलब देखो, दोनों के अंदर आपको काफ़ी पावरफुल इंजन मिलता है। बलिनो के अंदर आता है 1.2 लीटर वाला ड्यूअल जेट वाला पेट्रोल इंजन, विच सो दिस इंजन प्रोड्यूसेस अराउंड 89 bhp ऑफ पावर एंड 113 nm ऑफ टॉर्क। वही आपकी ग्रैंड विटारा के अंदर मिलता है 1.5 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, विच प्रोड्यूसेस अराउंड 103 bhp ऑफ पावर एंड 136 nm ऑफ टॉर्क। अभी मजे की बात बताऊं तो ऑन पेपर हो सकता है कि दोनों ही इंजन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हो। ऑफकोर्स आपको ग्रैंड विटारा के इंजन में ज्यादा पावर मिलेगा, बट द थिंग इज प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो ओवरऑल पावर टू वेट रेशियो होता है वो आपको सेम टू सेम मिलता है बोथ बलिनो एंड इन दी ग्रैंड विटारा। सो हिली रीजन्स में अगर आप गाड़ी को चलाते हो तो यार बिल्कुल भी आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होता इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ओवरऑल कंट्रोल वगैरह है, जो ओवरऑल स्टेबिलिटी वगैरह है, वो दोनों के अंदर आपको काइंड ऑफ सिमिलर मिलेगी। बलिनो के कम हाइट होने की वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा मोड वाले हिली रीजन्स में वहाँ पर आपको थोड़ी सी अच्छी स्टेबिलिटी मिल सकती है, थोड़ी बेहतर हैंडलिंग मिल सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोथ आर काइंड ऑफ सिमिलर ऑन दी हिली रीजन्स। बाकी अगर मैं बात करूँ मिक्स कंडीशन के बारे में, तो मान लो कि यार आपका घर है और आपके घर से आपको एक डेस्टिनेशन पर निकलना है, तो वो डेस्टिनेशन आपका ऑफिस हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जस्ट आप इमेजिन करो कि आपके डेली आपका जो ट्रैवल है वहाँ पर बहुत ही डिफरेंट टाइप्स वाले रोड आते हैं। जैसे कि मेरे केस में अगर मुझे घर से ऑफिस निकलना पड़ता है तो मुझे सब रोड कंडीशन में ट्रैवल करना पड़ता है। अगर आपकी रनिंग ना मेरी जैसी है देन यहाँ पर कुछ कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा बिकॉज दोनों ही काफ़ी कामयाब गाड़ी है, दोनों का आप आराम से चला सकते हो इन ऑल ऑफ दिस रोड कंडीशंस। तो इसलिए आप मुझे बताओ कि मिक्स रोड कंडीशन के हिसाब से आपको कौन सी ज़्यादा प्रैक्टिकल रखती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। अभी मैं अपने ओपिनियन के बारे में बताऊँ तो देखो, सबसे पहले अगर आपके रोड्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब है
जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बहुत ही ज्यादा खराब रोड है। ऐसे रोड के हिसाब से आप ग्रैंड विटारा ले लो। एंड देन अगर आपके ट्रैवल में ज्यादा ऐसे खराब रास्ते नहीं आते, एंड मोस्टली आपको सिटी में ही ट्रैवल करना है, सिटी में मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, दिमाग खराब हो जाता है ट्रैफिक में, देन मैं तो कहूँगा कि आप बलिनो ले लो। एंड बलिनो ना इन रोड्स के लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिकल फील होती है। बाकी मैं आपकी जगह होता तो मैं ग्रैंड विटारा लेता, बिकॉज मेरी रनिंग सिटीज में तो है लेकिन सिटी में उतनी भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो आराम से मैं ग्रैंड विटारा को भी ले सकता हूँ। सो एज अ ऑलराउंडर मुझे ग्रैंड विटारा एक सही प्रोडक्ट लगता है, बट द थिंग इज 90-100% अगर आपकी सिटी रनिंग है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, देन बलिनो इज जस्ट अ बेटर चॉइस। सो ये था मेरा ओपिनियन दोनों ही गाड़ियों के रिगार्डिंग। आप जरूर से अपने नजदीकी नेक्सा जो शोरूम है वहां पर जाकर आप टेस्ट ड्राइव कर लो दोनों ही गाड़ियों को, और जो आपको पसंद आती है, जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, उसी गाड़ी को आप परचेज करो। बाकी अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो दिस इज मोटरबर्ग साइनिंग ऑफ।